आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि इसमें मैं दो चीज़ें कवर करने जा रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर एक, एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, और नंबर दो, एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। क्योंकि जो एनसीईआरटी है ये स्कूल टाइम के स्टूडेंट हैं उनके लिए बनाई गई है, ना कि जो आईएएस और पीसीएस के पेपर देते हैं उनके लिए। ओके, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए, किस तरह से पढ़नी चाहिए और आपको किस तरह से नोट्स बनाने हैं, तो इस टॉपिक को आज मैं कवर करने जा रहा हूँ। साथ में जो सिक्स क्लास की एनसीईआरटी है इसको भी हम कम्प्लीटली कवर करेंगे। ओके, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, मैं हूँ आरजे सिंह और ये अपना चैनल क्लब आईएएस एस्पिरेंट। हम लोगों ने एक वन ईयर का प्रोग्राम लॉन्च किया जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें हम लोग टारगेट करेंगे प्रीलिम्स 2021 और 2022 को। अगर आप लोग अभी तक इस प्रोग्राम के बारे में नहीं जानते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में और ऊपर आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने इसमें टोटली इन्फॉर्मेशन दी है इस प्रोग्राम के बारे में। और दोस्तों, आज ये टास्क वन है क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 6 अगस्त से ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा, इसलिए डे वन है। हम लोग कवर करेंगे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 6 की है उसे। ओके, और ये टास्क नंबर 1 है। इससे पहले मैं टास्क नंबर 0 निकाल चुका हूँ। जिन लोगों ने अभी तक वो टास्क नंबर 0 वाली वीडियो नहीं देखी है, जाकर के देख ले, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं जो यहाँ पर यूज़ होने वाली हैं, और वो मैं यहाँ पर सभी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप लोग वो वीडियो जाकर के बाद में देख लीजिए, या पहले वो जाकर के देख लीजिए फिर इसको देखिए। ओके, आप लोगों को जैसा सुटेबल लगे आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन टास्क नंबर 0 वाली ज़रूर देखिए। जैसे उसमें मैंने बताया था कि मैं आपको लगभग मैं 10 लोकेशन डेली दिया करूँगा जो आपको मैप में खोजनी है, उसके बाद आपको ब्लैंक मैप पे नोट करना है। ओके, तो आज की आपके 10 लोकेशन है लगभग में आपको खोजना है, जो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, हमारे जो बर्ड है, हमारी पृथ्वी है, कितने ज़्यादा उस पर कितने कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं, उनके नाम, और प्लस सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उससे छोटा कौन सा है, फिर उससे छोटा कौन सा, यानी कि जो अवरोही क्रम। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मुझे तो पता है कितने कॉन्टिनेंट है, मैं इसमें नहीं लिखूंगा, लेकिन सभी को लिखना पड़ेगा क्योंकि सारी चीज़ें जब आप लिखेंगे ना तो मैं बाद में मर्ज करूंगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ऐसा मत सोचिए मुझे पता है। और मैं आपको बता दूँ, एक नया कॉन्टिनेंट आया है उसके बारे में भी आपको लिखना है क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अभी तक अब जितने थे उसमें एक प्लस कर दीजिए, मैं अभी नहीं बताऊँगा क्योंकि जब मैं कल वीडियो बनाऊँगा तब उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। ओके, इस प्रोग्राम के लिए मैंने टेलीग्राम पर अलग से एक ग्रुप बनाया है, उसमें आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। उसमें मैं इस प्रोग्राम से संबंधित जितना भी स्टडी मटेरियल होता है वो मैं सेंड कर देता हूँ। अभी मैंने उसमें 6 क्लास की एनसीईआरटी हिंदी इंग्लिश दोनों में सेंड किया, साथ में बहुत सारे एटलस भी सेंड किया, लगभग मैंने 10 से 11 एटलस हैं वो भी सेंड किया, और उसमें मैं टास्क भी बता देता हूँ कि क्या टास्क हैं, साथ में आपको इसके साथ में क्या कवर करना है। ओके, और कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ जाकर के पूछ भी सकते हैं। तो उस ग्रुप में आपको जुड़ना पड़ेगा, आप उसका लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं और अपना जो हमारा एनसीईआरटी है इसको कवर करते हैं। देखिए, जो 6 क्लास की एनसीईआरटी है इसका नाम है पृथ्वी और हमारा आवास। ओके, इसको हम लोग कवर करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या क्या दिया रखा है। ये देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया रखा है, इसमें केवल 8 चैप्टर हैं और लगभग में 70 पेजेस हैं। ये लेसन 1 है, इसमें बताया गया कि सौरमंडल में पृथ्वी, यानी कि जो फर्स्ट लेसन है इस पर बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें क्या क्या पाया जाता है। ओके, अब देखिए, जो 6 क्लास की एनसीईआरटी है तो इसमें काफ़ी बेसिक दिया रखा है। अब जब आप 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इसमें आपकी काफ़ी वोकैब स्ट्रांग हो जाएंगे, इसीलिए आपको 6, 7, 8 की जो एनसीईआरटी है वो पढ़ना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप साइंस साइड से हैं तो आपका बेस भी नहीं होता है, अगर आप आर्ट साइड से हैं फिर भी हम लोग जब हम 6, 7, 8 में पढ़ते हैं तो उस वक्त हम पढ़ाई पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, इन चीज़ों पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए एक बार इन एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए, आपके कितने सारे वोकैब होंगे वो आगे चल के स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे इससे। अब देखिए, इसमें यहाँ पर दिया रखा है आओ कुछ करके सीखें, या फिर किसी तरह के जो प्रयोग होते हैं, तो इन चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना है, एकदम काट देना है। एक दो पढ़ के देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब इस तरफ आप देखिए कि आपको कुछ स्टोरी दिखेगी। ओके, क्योंकि ये स्टोरी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि हम क्या आपको समझाना चाह रहे हैं, कि आप इस डायरेक्शन में आप सोचिए, फिर हम आपको इसके बारे में बताएंगे। ओके, तो जैसे कि इसमें बताया गया है, अब देखिए मैं यहाँ पर अभी पहले आपको ये बुक बताता हूँ कि आप बुक पढ़िए और फिर मैं आपको नोट्स दिखाऊँगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए हैं मैंने। ओके, तो कम से कम स्पेस में हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं। अब इसमें देखिए, यही बताएगा कि जब शाम का वक्त होता है, सूर्यास्त का समय होता है, जब हम आसमान में देखते हैं तब हमें कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे 1-2 तारे दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, जैसे जैसे रात होती जाती है, वैसे हमें बहुत सारी चीज़ें आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं। और इसमें बताया गया, कुछ चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा चमकीली होती हैं,
कुछ चीज़ें होती हैं जो धुंधली होती हैं, तो इसमें इसी तरह से ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और इसमें बताया कि जो हमारा चंद्रमा है वो टिमटिमाता नहीं है, यानी कि जो टिमटिमाते हैं वो तारे होते हैं और जो नहीं टिमटिमाते हैं वो ग्रह उपग्रह ऐसी चीज़ होते हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें हाईलाइट करके दी गई हैं, ये देखिए अब ये हाईलाइटेड करके दी गई हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है कि इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते होंगे। अब हमारा जो चंद्रमा है, आपने अभी गौर किया होगा कि ये कभी इसका साइज़ कम हो जाता है और हल्के हल्के इसका साइज़ बढ़ जाता है, कभी आधा हो जाता है, फिर कभी ये पूरा हो जाता है, फिर से इसका साइज़ घटने लगता है। तो इसमें यही बताया कि इसका जो रोटेशन है वो एक महीने में चलता रहता है, और जब हमारा जो चंद्रमा है वो पूर्ण अवस्था में आ जाता है, यानी कि जब पूरा चंद्रमा हमें चमकीला दिखाई देता है उस अवस्था को पूर्णिमा कहते हैं। यानी कि जब क्वेश्चन दिया रखा होता है तो उसमें एक ऑप्शन इस तरह से दे देता है कि जब पूर्ण चंद्रमा होता है उस अवस्था को क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं, अमावस्या कहते हैं। तो आपको पता करना पड़ेगा कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। इसी तरह इसमें बताया गया है जब अमावस्या, जब एकदम जो चांद होता है जब हमें नहीं दिखाई पड़ता है, पूरी रात हो जाती है, एकदम काली रात होती है, उस रात को क्या बोलते हैं, अमावस्या कहते हैं। और इस दिन पूरी रात एक सेकंड के लिए भी चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, और इसे क्या कहते हैं, यह नए चांद्र की रात्रि भी होता है, क्योंकि अमावस्या के बाद दोस्तों चांद हल्के हल्के दिखने लगता है, उसका साइज़ बढ़ने लगता है, तो इसीलिए इसे नए चांद की रात्रि के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि नए चांद की रात्रि किसे कहते हैं, अमावस्या या पूर्णिमा। ओके, तो अगर आपको ये वोकैब क्लियर हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ये क्लियर है, तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, तब देखिए यहाँ पर दिया रखा है खगोलीय पिंड। आप ऐसे अगर कोई पूछ लिया अचानक खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप लोग कंफ्यूज जाएंगे, लेकिन आप जब ये एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें जो भी चमकीली चीज़ या जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, जो भी पिंड पाए जाते हैं, उन्हें खगोलीय पिंड के नाम से जानते हैं। ओके, तो इसमें देखिए कितने ईजी तरीके से, कितने सिंपल तरीके से बताया गया है कि ब्रह्मांड में वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। ओके, तो आप लोग इससे बता सकते हैं, और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आप गलत नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये एनसीईआरटी होती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं। आप देखिए यहाँ पर जैसे दिया रखा है तारा, ओके स्टार, आखिर स्टार क्या है, तो इसमें बताया गया कि एक बड़ा पिंड होता है जो गर्म होता है और किस अवस्था में होती है, किस अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में होता है, यानी कि जो तारा होता है वो ठोस अवस्था में नहीं होता है। और तारा की प्रॉपर्टीज़ क्या है, एक तो वो गैसीय अवस्था में होता है और दूसरा उसके पास खुद की ऊष्मा और खुद का प्रकाश होता है। ये दो की पॉइंट है, उसके पास खुद की ऊष्मा और खुद का प्रकाश होता है, उसी को तारा कहते हैं। और जो हमारा सौरमंडल है उसका तारा है, जिससे हम जानते हैं सूर्य के नाम से, यानी कि सूर्य भी क्या है, एक तारा है। ओके, इसीलिए सूर्य के पास अपना प्रकाश भी है और अपनी ऊष्मा भी है, और हमारी पृथ्वी और जितने भी ग्रह हैं हमारे जो सौर परिवार के, उन्हें कहाँ से जो ऊष्मा प्राप्त होती है, वो सूर्य से ही प्राप्त होती है। ओके, तो इसमें देखिए आपको समझ में आएगा तारा किसे कहते हैं। तो तारा किसे कहते हैं, तारा एक बड़ा पिंड होता है जो गैसीय अवस्था में होता है और जिसके पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है। ओके, अब देखिए जैसे आप नीचे आएंगे, तब इसमें देखिए यहाँ पर एक दिया रखा है नक्षत्र। ओके, इसमें बताया गया है जो हमें रात में आसमान में बहुत सारी चमकती हुई चीज़ें दिखती है, ये इनका हम प्रयोग पहले बहुत चीज़ों के लिए करते थे, जैसे कि जो जहाज़ चलाते थे या फिर रात में जो लोग यात्रा करते थे, तो वो दिशा का निर्धारण कैसे करते थे, क्योंकि रात में कुछ नहीं दिखाई देता था, तो वो आसमान में ये तारे होते हैं, कुछ तारे ऐसे होते हैं जिनकी एक विशेष स्थिति होती है, वो हमेशा उसी दिशा में रहते हैं, तो उन तारों को देख करके वो दिशा का निर्धारण कर पाते थे। जैसे कि जो ध्रुव तारा होता है वो हमेशा उत्तर दिशा में होता है, तो ध्रुव तारा जब पता है किसी को ये उत्तर दिशा में, तो वो और दिशाएँ भी पता कर सकता है रात के समय। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसे हम नक्षत्र के नाम से जानते हैं। नक्षत्र किसे कहते हैं, जब तारों की एक विशेष स्थिति बन जाती है दोस्तों, उसी के लिए नक्षत्र बोलते हैं। ओके, तो नक्षत्र, आप लोगों ने भी नक्षत्र के बारे में सुना होगा कि हमारा जो दोस्तों भारतीय जो शास्त्र है इसमें बताया गया कि ये नक्षत्र अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं, तो वो किस हिसाब से चेंज होते हैं,
तो वो जो हमारे ग्रह होते हैं और चीज़ें होती हैं उनकी दिशाओं के आधार पे ही उनका निर्धारण किया जाता है। ओके, अब इसमें बताया गया जो नक्षत्र है दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा जो नक्षत्र है जिसका नाम है बिग बियर। ओके, और इसी का एक छोटा सा भाग है जिसे सप्तऋषि के नाम से जानते हैं, स्मॉल बियर के नाम से जानते हैं। ओके, तो स्मॉल बियर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्मॉल बियर किसका भाग है या किसका पार्ट है, तो आर्सा मेजर और बिग बियर के नाम से जानते हैं। ये एक नक्षत्र है जिसका एक भाग है जिसके नाम से हम जानते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, 7 तारे हैं जिनकी एक विशेष स्थिति है। इनको आप अगर मिलाएंगे तो एक आपको एक विशेष स्थिति देखने को मिलेगी जिगजैग रूप में, और ये हमेशा इसी अवस्था में रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसी तरह से ध्रुव तारा के बारे में बताया गया, जो मैंने अभी बताया था कि ध्रुव तारा है वो हमेशा उत्तरी दिशा में रहता है। तो अगर रात में किसी को दिशा का निर्धारण करना होता है तो वो पता कर सकता है कि कौन सी दिशा किधर है। अगर उसे पता है कि ये ध्रुव तारा है और ये उत्तर दिशा है तो वो पता कर सकता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर नीचे आएंगे, अब इसमें आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ग्रह प्लैनेट। अब प्लैनेट किसे कहते हैं, पहले अभी हमने देखा था कि स्टार के बारे में यानी कि तारे के बारे में, अब यहाँ पर ग्रह यानी कि प्लैनेट के बारे में। तो जो ग्रह होता है दोस्तों उसमें एक विशेष बात होती है कि इसके पास इसकी खुद का स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश क्या नहीं होता है। ओके, तारे के पास खुद का ऊष्मा और प्रकाश होता है लेकिन ग्रह का नहीं होता है। जब इसके पास स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है तो ये कहाँ से प्राप्त करता है, तो ये कहाँ से प्राप्त करता है, जो सूर्य होता है दोस्तों यानी कि तारा होता है उससे ये प्रकाश ग्रहण करता है। जैसे कि हम जानते हैं हमारी पृथ्वी है वो भी एक प्लैनेट है, ये ग्रह है, और हमारी पृथ्वी को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, वो सूर्य से मिलती है, और सूर्य क्या है, वो एक तारा है। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसी तरह आप जब आगे जाएंगे तब आपको देखने को मिलेगा उपग्रह। ओके, उपग्रह क्या है, जैसे कि अब मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। जैसे ये स्टार है, मान लेते हैं हमारा सूर्य है। ओके, इसके पास क्या है, इसके पास स्वयं का प्रकाश और स्वयं की ऊष्मा है। अब जो ये तारा है जो सूर्य है इसके चारों ओर जो चक्कर लगाएगा और इसके पास स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं है, इसके लिए क्या बोलेंगे, ग्रह बोलेंगे। ओके, अब एक ग्रह है दोस्तों, इस ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाएगा, एक पिंड है कोई भी बड़ा सा, जो इस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएगा इसे क्या बोलेंगे, उपग्रह बोलेंगे यानी कि सैटेलाइट बोलेंगे। और जो उपग्रह होते हैं दोस्तों वो दो तरह के होते हैं, एक कृत्रिम होता है और एक दोस्तों होता है जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, जो मानव के द्वारा छोड़े जाते हैं, जिन्हें हम सैटेलाइट के नाम से भी जानते हैं। जैसे सैटेलाइट हम लोग लॉन्च करते हैं और ऊपर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर देते हैं। ओके, तो कक्षाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो जब हम 11th क्लास के NCERT पढ़ेंगे उसमें भी मैं आपको बताऊंगा। लोअर अर्थ ऑर्बिट और इसी तरह जियोसिंक्रनस ऑर्बिट होता है एक क्या होते हैं, मिडिल अर्थ ऑर्बिट होता है वो क्या होता है और कितनी हाइट पर होता है, और इनमें कौन कौन से उपग्रह होते हैं वो स्थापित किए जाते हैं। ओके, तो आप लोग समझ गए होंगे, जैसे कि इसमें बताया गया एक स्टार होता है, स्टार का खुद का ऊष्मा और प्रकाश होता है। अब आप सोच रहे होंगे मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, मैं आपका अप्रोच बना रहा हूँ कि आपको कैसे किस तरह से पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं। अभी देखिए मैं जब नोट्स आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा मैं ये दो चीज़ें हैं, ये दो पेज हैं, मैं बार बार रिपीट करके क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको। ओके, तो जो तारा है उसके पास स्वयं का ऊष्मा और प्रकाश होता है, और जो पृथ्वी है दोस्तों उसके पास स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के चारों ओर क्या करती है दोस्तों, चक्कर लगाती है। ओके, और जो उपग्रह क्या होता है, वो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसके पास भी अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, ये कहाँ से प्राप्त करता है, ये भी सूर्य से प्राप्त करता है। ओके, तो इतनी सारी दो पेज कंप्लीट कर लिया, मैं इसके दिखा दूँ कि आपको इतने पेज के सिनॉप्सिस कैसे बनाना है। ओके, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और मैंने जो बार बार रिपीट किया था वो इसीलिए किया था, इसके बाद मैं आपको बहुत फास्ट तरीके से पढ़ाऊँगा। ओके, ये देखिए मैंने ये काफ़ी पहले के हैं मेरे सिनॉप्सिस, आप देख सकते हैं कि मैंने ये बनाए थे, और ये पूरी बुक है जिसमें 70 पेज हैं और मैंने ये सिर्फ 8 पेज में पूरी ही सिनॉप्सिस बना ली। अगर आप उस बुक को पढ़ेंगे तो कितनी भी फास्ट पढ़िए आपको 2 घंटा लगभग में लग जाएगा, लेकिन आप इस सिनॉप्सिस से अगर रिविज़न करेंगे तो सेम आउटपुट मिलेगा और लगभग में आप 10 से 12 मिनट में पूरा रिवाइज कर सकते हैं। ओके, अब देखिए ये वाला मैं आपको सेंड भी कर दूंगा जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है,
जो मैंने स्पेशली बनाया इस प्रोग्राम के लिए, उस पर आपको ये सिनॉप्सिस भी मिल जाएगा। ओके, आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने सिनॉप्सिस इस तरह से बनाया है सारी चीज़ों के, ये फ्लो चार्ट और सभी चीज़ों के रूप में बनाए। अब मैं दिखाता हूँ जो अभी हमने जितना पढ़ा है उसको कैसे लिखा है। ओके, अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए वो दो पेज थे, दो पेज को आपने इतनी सी जगह में कैसे आपको लिखना है और सारी चीज़ें लगभग में इसमें कवर हो जाएंगी। ओके, तो आपको दो मेथड मैं आपको बताऊंगा बनाने के, आप किसी भी तरह से बना सकते हैं। आप पॉइंट में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। देखिए पहला तरीका तो इस तरह से है कि आपने ऊपर लिखा आकाशीय पिंड और इस तरह से आपने फ्लो चार्ट के रूप में बना दिया। ओके, अब दूसरा तरीका इसके बाद बताऊँगा। अब देखिए इसमें जैसे आपने फर्स्ट नंबर पर लिखा तारा, अब तारा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि उसके पास स्वयं का प्रकाश और उसकी ऊष्मा होती है। ओके, उसके बाद आता है ग्रह। ओके, जो ग्रह होता है उसके पास स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, इसमें हमने क्रॉस के निशान लगा दिए। ओके, और तो अगर इसके पास स्वयं का जो प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है तो ये कहाँ से प्रदान करता है, तो ये प्रदान करता है तारे से, यानी कि स्टार से प्राप्त करता है। ओके, और वो तारा है दोस्तों, तो ये ग्रह है, तारे के चारों ओर चक्कर लगाता है। ओके, अब इसके ग्रह के बाद क्या आता है, उपग्रह आता है, और उपग्रह क्या होता है दोस्तों, इसके पास भी अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, तो ये कहाँ से प्राप्त करेगा, ये भी सूर्य से प्राप्त करेगा, और ये चक्कर किसका लगाएगा, ये ग्रह का चक्कर लगाएगा। ओके, यानी कि ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है और उपग्रह ग्रह का चक्कर लगाता है। ओके, यानी कि ये इसका चक्कर लगाता है और ये इसका चक्कर लगाता है। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पर अब आता है क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह क्या है, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं दोस्तों वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ओके, ये विशेष बात ध्यान रखनी है, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ना कि पृथ्वी और उपग्रह के। ओके, और ये किसके बीच में पाए जाते हैं, ये मंगल और बृहस्पति है दोस्तों, इन दोनों प्लैनेट यानी कि ग्रह के बीच में आपको ये पट्टी देखने को मिलेगी क्षुद्र ग्रह की, ये काफ़ी बार पूछा गया है। और इसी तरह बौना ग्रह होते हैं, बौना ग्रह किसे कहते हैं दोस्तों, जो ग्रह के रूप में पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं उन्हें बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन है, ये बौना ग्रह की श्रेणी में इन्हें रखा गया है। पहले प्लूटो को पूर्ण रूप से ग्रह माना जाता था, लेकिन बाद में इसे फिर से बौना ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। ओके, अब इसे पूर्ण रूप से ग्रह नहीं माना जाता है। दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ, जैसे कि एक नींबू होता है, दूसरा संतरा होता है, उनके दोनों की एक अपनी अपनी विशेषताएँ होती है, इसीलिए हम नींबू को नींबू ही बोलते हैं, संतरा को संतरा ही बोलते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि नींबू को संतरा और संतरा को नींबू बोल देते हैं। ओके, तो हर किसी चीज़ की अपनी विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को फुलफिल करना होता है, तभी हम उसकी उस नाम को पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। ओके, अब देखिए मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ कि एक तो मेथड हो गया कि आप इस फॉर्म में बना सकते हैं। अब देखिए मेरा स्टाइलस पेन है तो काफ़ी मोटा चलता है, लेकिन आप लोग जो कॉपी पर बनाएंगे तो काफ़ी आप अच्छे से बना सकते हो। ओके, मैं यहाँ पर सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर एक डायग्राम बना सकते हैं, ये फ्लो चार्ट हो गया, आप डायग्राम से कैसे इतनी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। जैसे कि आप बीच में एक सन बना लीजिए। ओके, आप यहाँ पर नीचे लिख दीजिए तारा, यानी कि स्टार लिख दीजिए। आप इसके चारों ओर एक ऐसे गोला खींचिए। अब यहाँ पर आप बना सकते हैं एक, इस तरह से आप बना सकते हैं एक ग्रह। ओके, प्लैनेट जैसे कि हमारी पृथ्वी है वो ग्रह है। अब इसके बाद आता है दोस्तों क्या आता है, उपग्रह। तो उपग्रह क्या होते हैं दोस्तों, वो इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा और यहाँ पर आप एक उपग्रह बना दीजिए। अब इन दोनों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होगा, तो हम छोटा सा यहाँ पर नोट कर लीजिए। अब मेरा देखिए काफ़ी मोटा चलता है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख सकता, लेकिन आप पेन से बनाएंगे तो आप आराम से बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप छोटा सा ऐसे लिख सकते हैं कि इसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, एक गैसीय अवस्था में होता है, और इन दोनों के पास इस टाइप से आप लिख सकते हैं कि इनके पास अपना ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, और ये दोनों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और उपग्रह होता है वो ग्रह के चारों ओर भी चक्कर लगाता है। ओके, तो इस तरह से आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं और इस तरह से आप डायग्राम भी बना सकते हैं। तो किसी तरह से आप बना सकते हैं, अगर आप इस रूप में बनाएंगे तो और भी आपका छोटा हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैं और भी आपको दिखाता हूँ जो अभी तक हम पढ़े हैं उनको मैंने किस तरह से फ्लो चार्ट के रूप में बनाया है। जैसे कि अगर आप किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो पहले उसकी बुक है आपको जानना ज़रूरी होता है, जैसे कि ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी शब्द की कैसे उत्पत्ति हुई है, ये भी एनसीईआरटी में बताया गया है। आप जैसे आगे जाएंगे आपको ये भी मिल जाएगा एक बॉक्स में। और जो ज्योग्राफी है उसे ग्रीक शब्द है, उसके दो शब्दों से मिलकर ज्योग्राफी की उत्पत्ति हुई है, एक है जियो प्लस ग्राफिया। ओके, जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब होता है लिखना। ओके, जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसका मतलब हो जाता है पृथ्वी के बारे में लिखना या पृथ्वी का अध्ययन करना। ओके,
तो इसी तरह कुछ अन्य वोकैब भी दी रखी हैं, जैसे कि जियो प्लस लॉजी। अगर हम जियो प्लस लॉजी को मिलाएंगे तो इसका मतलब होता है जियोलॉजी, और इसका हिंदी में मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन करना। ओके, अगर हम दोनों का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालेंगे तो इसका मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन करना, और ए भी ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। इसी तरह जियो प्लस मेट्री, अगर हम जियो प्लस मेट्री को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा जियोमेट्री, जिसका मतलब होता है पृथ्वी का मापन करना। इसी तरह जियो प्लस हम ऑइड को जोड़ेंगे तो जियो ऑइड हमको एक शब्द मिलेगा, जिसका मतलब होता है पृथ्वी के अनुरूप। ओके, और जो खगोलशास्त्री होते हैं, हमारे भारत के जो प्राचीन खगोलशास्त्री थे वो आर्यभट्ट थे। तो जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उनमें कई बार ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए, और वैसे भी ये बेसिक चीज़ें होती हैं ये आपको पता ही होना चाहिए। हो सकता है इंटरव्यू में भी ऐसे ही पूछ ले, क्योंकि ऐसी चीज़ें पूछी तो नहीं जाती हैं, लेकिन क्या पता कौन क्या पूछ ले। ओके, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था पूर्णिमा, अमावस्या और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, तो वो भी मैंने किस तरह से नोट किए हैं आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को जैसे कंफर्टेबल फील हो, जैसे सूटेबल हो, आप वैसे नोट कर सकते हैं। अगर आपको ये तरीका पसंद आता है तो आप इस तरह से भी नोट कर सकते हैं। जैसे कि जब चंद्रमा होता है, जब वो पूर्ण होता है, यानी कि पूरा चंद्रमा जब हमको दिखाई देता है तो उस अवस्था को पूर्णिमा कहते हैं। तो इस तरह से मैंने नोट किया, और फिर मैंने एक एरो लगाया और इसमें लिखा कि 15 दिनों के बाद। ओके, इस तरह एरो लगाया, इसके ऊपर लिख दिया 15 दिनों के बाद एक ऐसी अवस्था आती है जब चंद्रमा पूर्ण रूप से छिप जाता है। ओके, जब चंद्रमा पूर्ण रूप से छिप जाता है तो इस अवस्था को अमावस्या कहते हैं, और ये रोटेशन है दोस्तों, ये चलता रहता है। जैसे अमावस्या के कुछ दिनों के बाद पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा के कुछ दिनों के बाद अमावस्या आती है। ओके, तो इस तरह से आप लोग नोट कर सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था खगोलीय पिंडों के बारे में, तो खगोलीय पिंडों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि आसमान में जो कुछ भी चमकता है, रात में हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, उससे हम क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। ओके, इसी तरह हम लोग पढ़े थे नक्षत्र के बारे में, तो नक्षत्र के बारे में जो तारों का समूह होता है, अब देखिए इसमें जो की पॉइंट होते हैं वो हमें नोट कर लेने होते हैं। हम पूरा लाइन होता है उस पूरे लाइन को नोट नहीं करते हैं। जैसे मैंने इसमें लिखा तारों के समूह, ओके, नक्षत्र किसे कहते हैं, तो तारों का समूह जो एक विशेष आकृति का निर्माण करता है। ये देखिए मैंने की पॉइंट दूसरे क्या लिखा, विशेष आकृति बनाते हैं। ओके, तो आप लोग जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको एक कंप्लीट सेंटेंस मिल जाएगा। नक्षत्र किसे कहेंगे, तारों का एक ऐसा समूह जो एक विशेष आकृति का निर्माण करता है, उसे हम नक्षत्र कहते हैं। ओके, तो आपको जो की पॉइंट होते हैं वो नोट करने होते हैं अपने सिनॉप्सिस में, और जब आप उन की पॉइंटों को आपस में जोड़ेंगे तो आपको एक पैराग्राफ या फिर आपको एक सेंटेंस कम्प्लीटली प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो आपको क्या चीज़ नोट करनी होती है, जो की पॉइंट होते हैं सिर्फ उन्हें नोट करना होता है। ओके, अब इसी तरह ध्रुव तारा, तो ध्रुव तारा क्या होता है दोस्तों, हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्तरी दिशा में आपको देखने को मिलेगा। इससे अगर ये उत्तरी दिशा में देखने को मिलेगा रात में, तो हम इससे दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें आप ध्रुव तारा के बारे में लिख सकते हैं, अगर आपको इतना ही पता हो कि जो ध्रुव तारा है वो उत्तरी दिशा में है। ओके, तो आप इस तरह से भी बता सकते हैं कि अगर रात में कोई समुद्र में है तो समुद्र में कुछ भी पता नहीं चलता है, तो आप इन तारों को देख करके रात में दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। या फिर आप कहीं जंगलों में जा रहे हैं तो आपको दिशा नहीं पता चल पा रही है, तो आप किस तरह से इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप इस तारे से यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिया रखा है, अब आप इसे कई तरह से बना सकते हैं। जैसे कि जो हमारी पृथ्वी है वो किसके अंदर पाई जाती है, सौरमंडल के अंदर, और जो हमारा सौरमंडल है वो कहाँ पाया जाता है, आकाश गंगा में पाया जाता है, और आकाश गंगा कहाँ पाई जाती है, ब्रह्मांड में पाई जाती है। ओके, तो आप इस तरह से भी इसे बना सकते हैं, या फिर आप ऐसे बना सकते हैं कि सबसे छोटी हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद जो आता है दोस्तों वो हमारा सौरमंडल है। ओके, और सौरमंडल के बाद जो आता है दोस्तों वो आकाश गंगा है, आकाश गंगा है दोस्तों, उसके बाद क्या है हमारा दोस्तों, ब्रह्मांड है, यानी कि ब्रह्मांड के अंदर ही सब कुछ आता है। फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर आपको सौरमंडल के बारे में बताया गया कि हमारे सौरमंडल में क्या क्या पाए जाते हैं, कौन से ग्रह हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हें मैं आपको फ्लो चार्ट के रूप में दिखाता हूँ, एक डायग्राम के रूप में समझाता हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो ये हमारी एनसीईआरटी इसमें दिया रखा है जो हमारा सौरमंडल है उसके बारे में, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक दूसरे डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, जिससे बहुत सारे आपके फैक्चुअल चीज़ें कवर हो जाएंगी, और किस तरह से आपको कोई भी डायग्राम होता है उसका एनालिसिस करना चाहिए, किस तरह से उसको ऑब्जर्व करना चाहिए, इस डायग्राम से आपको ये समझ में आएगा। ओके, और वीडियो इसकी बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि हो सकता है कहीं पर ऐसी चीज़ें हों जो लगता हो आपको कि ये तो मुझे पता है, लेकिन अगर आप स्किप कर देंगे तो बीच में
एक ऐसा अप्रोच होगा, हो सकता है आप उसको स्किप कर दें, बाद में आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है। ओके, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिए। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश में नाम दिए रखे हैं, अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। हमारा सन है और सन के सबसे करीब में मरकरी है, जिसको हम हिंदी में बुध बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वीनस है, फिर अर्थ है, अर्थ के बाद आपको मार्स देखने को मिलेगा, फिर आपको एक पट्टी देखने को मिलेगी जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है। ओके, फिर इसके बाद आपको जुपिटर देखने को मिलेगा, सैटर्न देखने को मिलेगा, यूरेनस और नेपच्यून। ओके, ये सारे ग्रह हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए आपको कैसे इनको पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों ये बेल्ट आपको दिख रही है, ये कई बार पूछा गया कि ये बेल्ट कहाँ पाई जाती है, किन ग्रहों के बीच में पाई जाती है, तो उसमें ऑप्शन इस तरह से देते हैं, अर्थ के बीच में और मार्स के बीच में पाई जाती है, या फिर जुपिटर और सैटर्न है इसके बीच में पाई जाती है, या फिर मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। तो आपको वो स्टेटमेंट चेक करना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, या सारे स्टेटमेंट सही है या सारे गलत है, तो वो पता करना पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये बेल्ट है ये मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। ओके, अब देखिए हम लोग अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं कि हम लोग कैसे हमें पढ़ना चाहिए। ये देखिए ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, इसके इधर के जो आप देख सकते हैं, इसके इधर के जो भी ग्रह हैं, प्लैनेट हैं, इनके लिए टेरेस्ट्रियल या आंतरिक ग्रहों के नाम से जाना जाता है। और इस बेल्ट के बाद में जुपिटर से लेकर के यहाँ तक के जो आपको ग्रह देखने को मिल रहे हैं, इन्हें जूबियन ग्रह के नाम से जाना जाता है, या फिर हिंदी में इनको बाह्य ग्रह भी बोलते हैं। ओके, तो जो भी इस तरह के जो ग्रह हैं दोस्तों, ये किस अवस्था में, ये सभी ठोस अवस्था में, जैसे कि जो चट्टानें होती हैं वो ठोस अवस्था में होती हैं, ये चट्टानों के रूप में ये सारे देखने को मिलते हैं। ओके, और जो इधर के हैं ये किस अवस्था में, एक गैसीय अवस्था में है, या फिर जो तरल अवस्था है, लिक्विड अवस्था है, उस अवस्था में पाए जाते हैं। और आप देख सकते हैं जो इधर के हैं, ओके, जो इधर के हैं ये सारे छोटे हैं, लेकिन आप इधर के देखिए, इधर के ग्रह काफ़ी बड़े आपको देखने को मिल रहे हैं, देखिए सबसे बड़े देखने। तो आपने अगर एक बार सीक्वेंस देख लिया कि कौन सा ग्रह किसके बाद आता है, उसके बाद अब मैं बहुत सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। अब इसमें ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा जुपिटर है। अब जुपिटर से आप इधर जाएंगे तो इनका आकार अब छोटा होता जाएगा, तो सबसे बड़ा जुपिटर, फिर दूसरे नंबर पे ए आ जाएगा, तीसरे नंबर पे ए आ जाएगा, चौथे नंबर पे ए आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं, आपको एक बार क्रम ध्यान होगा उसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और इधर आप तो ध्यान रख ही सकते हैं, क्योंकि आपको अर्थ का तो पता होगा कि अर्थ है इधर सबसे बड़ी है। ओके, इसके बाद आपको इधर वीनस मिलेगा, और तीसरे नंबर पर मार्स मिलेगा, और चौथे नंबर पर ए मिलेगा। ओके, तो आप इस तरह से इधर देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो इधर के ग्रह हैं दोस्तों, जो टेरेस्ट्रियल हैं, ये ठोस हैं, ठोस हैं तो इनका घनत्व ज़्यादा होगा। ओके, और इनका घनत्व कम होगा, और लेकिन जो जितना ज़्यादा बड़ा ग्रह होगा उसकी आकर्षण शक्ति ज़्यादा होगी। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसकी आकर्षण शक्ति ज़्यादा है, तो एक दे दिया जुपिटर, दूसरा दे दिया अर्थ, और तीसरा दे दिया मास। अगर इनमें से पूछा जाए निम्न में से किसकी आकर्षण शक्ति अधिक होगी, तो आपको बताना पड़ेगा कि जुपिटर, क्योंकि जुपिटर इन सब में बड़ा है तो उनकी आकर्षण शक्ति ज़्यादा होगी। जुपिटर की जगह अगर सैटर्न या फिर नेपच्यून भी दिया रखा होता तो इनकी भी आकर्षण शक्ति ज़्यादा होती। ओके, क्योंकि इधर के ग्रह हैं वो सभी बड़े हैं इन ग्रहों से। ओके, इन ग्रहों से जो ग्रह सूर्य के सबसे निकट हैं उसे सबसे कम समय लगेगा एक चक्कर लगाने में। जैसे कि मान लीजिए ये सूर्य है दोस्तों, इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सबसे कम समय किसको लगेगा, बुध को लगेगा। ओके, अब देखिए क्योंकि बुध सबसे पास में है तो उसे कम दूरी तय करनी पड़ेगी, फिर जो जितना ज़्यादा दूर होगा उसको उतना ज़्यादा समय लगेगा। ओके, तो आप बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा टाइम किसे, सबसे ज़्यादा टाइम किसको लगेगा सूर्य का एक चक्कर लगाने में, यानी कि उसे सूर्य का एक परिक्रमण करने में कितना टाइम लगेगा। और परिक्रमण को हम ईयर या साल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि एक साल इनके कितने दिनों का होगा। ओके, तो आप इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि जो मरकरी, अर्थ और यहाँ पर यूरेनस हैं, इसमें सबसे ज़्यादा समय किसको लगेगा सूर्य का एक चक्कर लगाने में, तो आप बता सकते हैं कि जो जितना ज़्यादा दूर होगा उसे उतना ज़्यादा समय लगेगा। तो इससे देखिए आपके कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से ही कवर हो गए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये दिया रखा है। ओके, अब इसमें दिया रखा है कि यहाँ पर जो बुध है उससे एक सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं, 88 दिन। ये दोस्तों ज़रूरी नहीं है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं और नहीं देखना चाहें तो मत देखिए, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ओके,
अब देखिए इसी तरह जो शुक्र है इसका जो एक साल होता है वो एक दिन होता है लगभग में बराबर होता है। आप देख सकते हैं कि इसे एक साल 255 दिन लगते हैं और इसका एक दिन होता है वो भी 243 दिनों के बराबर होता है। ओके, इसी तरह जो और जो पृथ्वी है दोस्तों उसका एक दिन होता है वो एक दिन के बराबर ही होता है, लेकिन जो इसका एक साल होता है दोस्तों वो 365 दिनों के बराबर होता है। हम सभी लोग जानते हैं इस बारे में तो। ओके, लेकिन मैं यहाँ पर एक आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अगर पूछा जाए कि एक दिन होता है वो सबसे कम समय कौन लेता है अपना एक घूर्णन पूरा करने में, तो वो बृहस्पति लेता है। ओके, बृहस्पति है, इसकी घूर्णन गति सबसे ज़्यादा है। ओके, तो यानी कि इधर के जो भी ग्रह हैं दोस्तों ये एक दिन से भी कम समय में अपना एक घूर्णन पूरा कर लेते हैं, मतलब इनका एक दिन होता है वो पृथ्वी के एक दिन से कम समय में ये पूरा कर लेते हैं। तो सबसे कम कौन करता है? बृहस्पति करता है, लगभग में ये करता है दोस्तों 10 घंटे में। ओके, इसके बाद शनि होता है, शनि लगभग में करता है 10 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा। और इसके बाद दोस्तों ये होता है नेपच्यून होता है, ये लगभग में करता है 16 घंटे में, और ये करता है यूरेनस 17 घंटे में। ओके, तो आपको अप्रॉक्स ऐसे ध्यान रख लेना है। और इधर तो आप जानते हैं जैसे पृथ्वी है वो लगभग में एक दिन में करता है, और जो मंगल है दोस्तों वो भी लगभग में एक दिन में करता है, लेकिन जो शुक्र होता है इसका सबसे ज़्यादा दिनों का होता है। ओके, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया भी था, और बुध होता है इसका भी ज़्यादा होता है। ओके, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, अगर पूछा जाए पृथ्वी और बृहस्पति शनि में किसका जो दिन होता है वो कम समय का होता है, तो आप बता सकते हैं आराम से इस तरह से। तो आपको एक एक मोटा मोटा एक बेस ध्यान रख लेना कि हाँ इतना इतना होता है, इससे आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो सारे सही कर लेंगे। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें क्या दिया रखा है। जैसे इसमें सौरमंडल के बारे में दिया रखा है, नेक्स्ट हेडिंग है जो हम देख चुके हैं, और ये देखिए शब्द हैं जो मैंने अभी बताए थे सिनॉप्सिस में, वो भी यहाँ पर दिए रखे हैं। आप यहाँ पर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अभी हमने सूर्य के बारे में भी पढ़ लिया है, और देखिए जो हमारा सूर्य है दोस्तों वो पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ओके, तो आप ये दूरी ध्यान रखना चाहते हैं तो ध्यान रख सकते हैं, और आगे भी ये आपको मिलेगा। ओके, जब आप ज्वारभाटा पढ़ेंगे तो इस दूरी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि चंद्रमा और जो सूर्य है उनका कंपेयर हमें करना पड़ता है, कौन कितनी दूर पे है, इसीलिए उसका आकर्षण शक्ति होती है वो अधिक होती है। ओके, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम तो पढ़ चुके हैं, मैं अभी बता भी चुका हूँ इन सारी चीज़ों के बारे में। अब देखिए जो हमारी पृथ्वी है इसे नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी उसका एक तिहाई भाग है वो जल से ढका हुआ है। जल से ढका होने के कारण ये ऊपर से देखने में नीला दिखता है, इसीलिए इसको नीले ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और हमारी पृथ्वी है ये और ग्रह से भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर जीवनदायिनी जो वायु है जिसे हम ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन पाई जाती है पर्याप्त मात्रा में। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हमारी पृथ्वी पर दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो दोस्तों वो निकलती है हमारी पृथ्वी से, जो सौर पवनों को आने से हमारी पृथ्वी पर रुकती हैं। इसके अलावा हमारा जो वायुमंडल है वो एक आवरण का काम करता है, जिससे ऊपर से जो एस्ट्रॉयड आते हैं वो भी उनसे भी बचाव होता है, यूवी रेस और हानिकारक किरणें होती हैं उनसे भी हमारी रक्षा करती है। तो हमारा वायुमंडल है वो हमें एक आवरण का काम करता है, और जो हमारे जो ग्रह हैं हमारे सौरमंडल के उनके पास ऐसा वायुमंडल नहीं है, उनके पास जो जल है वो नहीं है, इस तरह की चीज़ें नहीं है। लेकिन मंगल ग्रह पर अभी माना जा रहा है, खोज की गई है कि मंगल ग्रह पर जल है, लेकिन अभी इतना नहीं पता है कि वो जल है वो किस फॉर्म में है। ओके, लेकिन अब इतना क्लियर हो गया कि मंगल ग्रह पर भी जल है लेकिन। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें यही इन्फॉर्मेशन दी गई कि हमारी जो पृथ्वी है वो दोस्तों नीला ग्रह है, और उसमें जो हमारा सौरमंडल है वो उसमें तीसरा स्थान है हमारी पृथ्वी का। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें इन चीज़ों को आपको देखते हुए चलना है। अब जैसे इस चंद्रमा है, तो चंद्रमा क्या है दोस्तों, जो हमारी पृथ्वी है उसका नेचुरल सैटेलाइट है। ओके, प्राकृतिक उपग्रह है, और इसकी यहाँ पर दूरी दी रखी है, आप लोग देख सकते हैं 384,000 किलोमीटर हमारी पृथ्वी से इसकी दूरी है। और देखिए इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि जो इसके अलावा उपग्रह होते हैं वो मानव निर्मित भी होते हैं। ओके, जैसे कि जो सैटेलाइट हम लोग लॉन्च करके छोड़ते हैं, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, क्षुद्र ग्रह उल्का पिंडों के बारे में भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पर आकाशगंगा है, जो हमारी आकाशगंगा है दोस्तों वो किस टाइप की है, वो मिल्की वे टाइप की है। ओके, तो अगर आप लोग इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मैंने एक माजिद हुसैन बुक है वो पूरी कंप्लीट की है, आप जाकर के देख सकते हैं, उसका जो वीडियो नंबर 1 है उसी में मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी दी है। जो ये चैप्टर है इसमें बहुत ही विस्तृत रूप में उसमें जानकारी दी गई, अगर आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके,
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जो मैंने डायग्राम बताया था, जो हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी किस में पाई जाती है, सौरमंडल में पाई जाती है। हमारा जो सौरमंडल है वो कहाँ है, वो आकाशगंगा के अंदर पाया जाता है, और आकाशगंगा कहाँ पाई जाती है, वो ब्रह्मांड के अंदर पाई जाती है। ओके, तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। और इन क्वेश्चन को लगाने की ज़रूर प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि मैंने अभी क्या पढ़ा है और मैंने क्या स्किप कर दिया और क्या क्या चीज़ें मुझे पढ़नी चाहिए। जैसे मैं एक दो आपको बता देता हूँ, जैसे ग्रह और तारों में क्या अंतर होता है। देखिए मैंने काफ़ी बार इसको रिपीट करके बताया था, तो आप आराम से बता सकते हैं। जो ग्रह होता है दोस्तों, वो सूर्य के चारों ओर, यानी कि तारा जो स्टार होता है उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, और इसके पास उसकी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, और ये किससे प्राप्त करता है, जो तारा होता है स्टार होता है उससे प्राप्त करता है। ओके, और सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, तो सौरमंडल आप बता सकते हैं जो हमारा सूर्य है, और उसके अलावा हमारे जो आठ ग्रह और एक एक बौना ग्रह है दोस्तों, इसके अलावा कई सारे छोटे छोटे उल्का पिंड भी पाए जाते हैं, उन सभी से मिलकर के हमारा सौरमंडल का निर्माण हुआ है। इसके अलावा देखिए सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम बताइए। जैसे कि मैंने अभी बताया था, एक क्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको टाइम टू टाइम देखते रहना है। इसको आप रटिएगा नहीं, रटने से ज़्यादा आप यहाँ पर अब जहाँ भी आप लेट से हैं या फिर ज़्यादा टाइम जहाँ पर आप व्यतीत करते हैं वहाँ पर एक पीस लगा लीजिए, जिससे आप बार बार देखते रहेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि इसमें नेक्स्ट दिया रखा है कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर एक ऐसा वायुमंडल पाया जाता है जिससे जीवन संभव हुआ, साथ में हमारे जो हमारा जो दोस्तों पृथ्वी है उस पर जल भी पाया जाता है, और हमारी पृथ्वी के पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है जो सौर पवनों को आने से रोकती है हमारी पृथ्वी पर। अगर सौर पवने अगर हमारी पृथ्वी पर डायरेक्ट आ जाएँ तो दोस्तों सब कुछ जल के राख हो जाएगा, क्योंकि उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ओके, हम हमेशा चांद के एक हिस्से को ही क्यों देख पाते, मैं इसे एक फ्लो चार्ट के रूप में दिखाता हूँ, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है, ओके, और इसके चारों ओर इस तरह से चंद्रमा है, वो परिक्रमण कर रहे हैं, ओके, घूम रहे हैं। अब देखिए चार कंडीशन मानते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है, ये थर्ड कंडीशन है, ये फोर्थ कंडीशन है। अब यहाँ पर हम एक बनाते हैं चांद, ओके, तो ये मान लेते हैं ये चांद है। अब चांद के भी मैं आपको पार्ट बना देता हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस तरह से इसको डिवाइड कर देते हैं, ओके, तो ए ए पार्ट है, ए बी पार्ट है, ए सी पार्ट है, ए डी पार्ट है, ओके। अगर आप इस तरह से अगर इस स्थिति में अगर चंद्रमा है तो आपको कौन सा भाग दिखेगा पृथ्वी से, ये वाला भाग दिखेगा जो मैं अभी कलर कर रहा हूँ, ओके, ए बी सी, यानी कि जो इधर है ये वाला भाग आप देख सकते हैं पृथ्वी से। लेकिन जब ये ऊपर जाएगा दोस्तों, यहाँ से ऐसे घूम के यहाँ पर जाएगा, और मानते हैं कि अभी चंद्रमा है वो स्थिर अवस्था में, ओके, स्थिर अवस्था मानते हैं, तो फिर से चंद्रमा होगा कुछ इस तरह से होगा। और देखिए इसके हम फिर से अब चार पार्ट बना लेते हैं, ए बी सी और डी, ओके। अब हमें पृथ्वी से कौन सा भाग दिखाई देना चाहिए इस अवस्था में, ये हमें इस समय ये वाला पार्ट दिखाई देना चाहिए, ओके, इस वाले कलर से मैं आपको दिखाता हूँ, ओके, ये वाला हमें भाग दिखाई देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि दोस्तों हमारा जो चंद्रमा है उसका घूर्ण और परिक्रमण लगभग में समान है, लगभग में वो एक महीने का समय ही लेता है। इसीलिए ये क्या होगा, जब वो यहाँ से यहाँ जाएगा दोस्तों, तो इस कंडीशन में ये थोड़ा सा इस तरह से ये रोटेट भी हो जाएगा, ओके, इस तरह से रोटेट भी हो जाएगा। तब वो इस कंडीशन में आएगा तो इसका पोजीशन होगा दोस्तों, वो किस तरह से हो जाएगा, वो इस तरह से लगभग में हो जाएगा। मैं आपको बना के यहाँ पर दिखाता हूँ, अब इसमें भी मैं पार्ट बनाता हूँ, तो ये लगभग में इतना घूम जाएगा। जब ये घूम जाएगा तो ए वाला पार्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा, ओके, यानी कि ये जो ए वाला पार्ट है वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ए लिखते हैं, और बी वाला पार्ट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, सी वाला यहाँ पर आ जाएगा, और डी वाला यहाँ पर आ जाएगा। तो इस अवस्था में हम कौन सा भाग देख पाएंगे, मान लेते हैं हमारी यहाँ पर पृथ्वी है तो ए वाला पार्ट देख सकते हैं ना। अब देखिए दोस्तों इस वाले पार्ट में क्या हुआ, हम ए बी सी देख पा रहे हैं, और इसमें भी हम कौन सा देख पा रहे हैं, ए बी सी, ओके। तो इसी तरह यहाँ पर जब ये आएगा तो थोड़ा सा और रोटेट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आप समझ गए होंगे कि हम चंद्रमा का हमेशा एक पार्ट ही क्यों देख पाते हैं, क्योंकि इसका जो परिक्रमण और घूर्ण है दोस्तों वो एक बराबर है, लगभग में समान है। इसलिए हम चंद्रमा का जो एक भाग है वो कभी देख नहीं पाते हैं, वो हमेशा छिपा हुआ रहता है, ओके। तो इसका आंसर यही होगा, क्योंकि हमारा चंद्रमा है उसका जो परिक्रमण है और जो घूर्ण है वो लगभग में समान है।
ओके, तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम चंद्रमा का एक हिस्सा नहीं देख पाते हैं। आपने कुछ दिन पहले सुना होगा दोस्तों, जो चीन है उसने चंद्रमा के उस हिस्से पे लैंडिंग कराई थी जो अभी तक देखा नहीं गया है, और उस पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी। ओके, और भारत ने भी उस पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई, लेकिन वो विफल रही थी। ओके, वो सफल नहीं हो सकी, तो वो उसी पार्ट पे कराई थी जो नहीं दिखता है। अब यहाँ पर आप ब्रह्मांड के बारे में ऊपर आप पढ़ चुके हैं, बता सकते हैं, इसी तरह आप इन सारी की चीज़ों का भी आप जवाब दे सकते हैं। जैसे शुक्र है दोस्तों, शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, और सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने ठीक से ऑब्जर्व किया होगा तो सारी चीज़ों के आंसर दे देंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट के इधर चलते हैं, और आपको देखिए यहाँ पर समझ में आया होगा कि आपको कैसे सिनॉप्सिस बनाने हैं। साथ में सिनॉप्सिस के अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें कि आपको कैसे डायग्राम बनाने हैं, कैसे फ्लो चार्ट बनाने हैं, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं उनको पढ़ना है, और किन चीज़ों को छोड़ना है। तो ये एनसीईआरटी को पढ़ते समय ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब देखिए मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कैसे आपको सिनॉप्सिस बनाने हैं, अब मैं स्पीड के साथ इस पूरी एनसीईआरटी को कवर करूंगा, और जो मेरा शॉर्ट नोट्स है वो आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, फिर बाद में आप देख लीजिए, क्योंकि मैं दोनों चीज़ें बार बार पढ़ाऊँगा तो ये वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। ओके, तो मैं नहीं चाहता ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो मैं डेली 10 से 15 मिनट जब भी मैं एनसीईआरटी कवर किया करूँगा तो उसमें फ्लो चार्ट बनाना और जो भी डायग्राम है वो बनाना सिखाया करूँगा। ओके, चलिए हम लोग चलते हैं जो लेसन 2 है, इसमें बताया गया है गोला, अक्षांश और देशांतर। आखिर हम अक्षांश और देशांतर क्या है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो अक्षांश देशांतर क्या है दोस्तों, पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएँ हैं, जो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऊपर आप देख सकते हैं, ये अक्षांश और देशांतर पृथ्वी पर लाइनें देख रही हैं, लेकिन ये रियलिटी में आपको कहीं पृथ्वी पर देखने को नहीं मिलेंगी कि यहाँ पर ये विषुवत रेखा जा रही है, यहाँ पर ये जा रही है, ये काल्पनिक है। ओके, एक पेज पे खींची गई, जैसे हमने पृथ्वी बनाया और उस पर ये काल्पनिक रेखाएँ खींच ली। क्यों खींची दोस्तों, इनकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, इनसे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम किसी भी जगह की जो सटीक लोकेशन होती है वो पता कर सकते हैं। जैसे GPS के बारे में अगर आपने सुना होगा तो GPS दोस्तों होता है वो अक्षांश और देशांतर के आधार पर ही कार्य करता है। अगर हमें किसी भी स्थान का अक्षांश और देशांतर पता हो तो हम मिलीमीटर में भी उस लोकेशन की जगह बता सकते हैं। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों जो अक्षांश होते हैं, मैं और भी इसकी इंपॉर्टेंस बता देता हूँ, जो अक्षांश होते हैं इससे हम जो जलवायु क्षेत्र होते हैं उनका निर्धारण करते हैं, और जो देशांतर होता है इससे हम समय का निर्धारण करते हैं। ओके, जो देशांतर होते हैं वो दिन रात का निर्धारण करते हैं, और अक्षांश होते हैं वो जलवायु क्षेत्र का निर्धारण करते हैं, जैसे कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय है, कौन सा उपोष्णकटिबंधीय है, कौन सा शीतकटिबंधीय है, तो वो अक्षांश के आधार पर ही निर्धारण किया जाता है। ओके, अब हम इनमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि अक्षांश कितने हैं, हमारी पृथ्वी पर देशांतर कितने हैं, और किस तरह से खींचे जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। ओके, अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर ग्रुप में जाकर के पूछ सकते हैं, वहाँ पर अगर कोई बड़ा डाउट है तो मैं वहाँ पर भी क्लियर कर दूँगा। ओके, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, और जो कल का हमारा टास्क है वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ग्रुप में अभी तक आप नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों लॉकडाउन खुल चुका है, फिर भी आप लोग घर पे रहिए, देखिए कंडीशन काफ़ी ख़राब होती जा रही है, केसेस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए अगर बाहर जाइए तो सतर्कता के साथ जाइए, मास्क लगाइए और हमेशा सैनिटाइजेशन करते रहिए। ओके, थैंक यू।